चुकीला माफी नहीं। हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों डगड़ी चाल, जी हाँ दोस्तों डगड़ी चाल, जो कि 19 अगस्त को रिलीज होने जा रही है, मच अवेटेड मूवी बोल सकते हैं मराठी इंडस्ट्रीज की। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसका ट्रेलर बोले तो बहुत दमदार है, बहुत कड़क बोल सकते हैं। लेकिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे बॉलीवुड क्रेजिस के कर्ता धरता सूर्या भाई। नमस्कार दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, डगड़ी चाल का आपने ट्रेलर देखा और फाइनल ये मूवी 19 अगस्त को रिलीज होने जा रही है, तो आप कितना एक्साइटेड हो एंड ट्रेलर कैसा लगा आपको सर? आई थिंक 2005 या 7 में आई थी सरकार अमिताभ बच्चन की, और वहाँ पे जिस तरह से अमिताभ बच्चन ने सरकार का जो कैरेक्टर प्ले किया था, सेम उसी तरह का फील, उसी तरह की वाइब यहाँ पे मकरंद देशपांडे के जो कैरेक्टर है उसमें नज़र आ रही है। और जिसे आपको पता है दगड़ी चाल की स्टोरी है, हमको पता है, आपको पता है, ये दगड़ी चाल 2 है, राइट? इसके पहले भी इसकी ये फिल्म आ चुकी है जहाँ पे अंकुश चौधरी थे और मकरंद देशपांडे थे, ठीक है? तो ये फिल्म किस पर इंस्पायर्ड है आपको भी पता है। तो ये जो फिल्म में साफ साफ चीज़ें नज़र आ रही है कि फिल्म के पहली जो पार्ट था उसमें कहानी कुछ यूँ थी कि ये जो बंदा है इसकी गैंग में ज्वाइन होता है, और उसके बाद वो एक जो अच्छे बंदे से थोड़ा सा गड़बड़ होने लगता है। बाद में फिल्म के एंड में वो उसकी उसकी जो पार्टी है, उसकी जो एक गैंग है, उसको छोड़ देता है और एक एक अलग रास्ते पर निकल जाता है। और अब क्या है ना, ये फिल्म में दो चेहरे, ये एक दूसरे के कहीं ना कहीं कट्टर दुश्मन है, ये दोनों एक दूसरे से के दुश्मन है, एक दूसरे को मारना चाहते हैं। तो फिल्म की कहानी क्या होगी वो आप समझ सकते हो, एक तरीके से बोल सकते हैं कि मराठी इंडस्ट्री की एक बड़ी मूवी है ये। एक बड़ी मराठी इंडस्ट्री की सरकार आ रही है आप ये समझ सकते हो। और ये जो अंकुश चौधरी है बहुत ही कमाल के एक्टर, मकरंद देशपांडे थिएटर के बहुत पुराने एक्टर, स्वदेश में भी आपने देखा है इनको, बहुत बड़े एक्टर है, बहुत बड़े एक्टर। तो ये ऑफकोर्स ये बहुत बड़े एक्टर, तो एक अच्छी फिल्म आ रही है। और ऊपर से इस फिल्म में जो आइटम नंबर है, जेजी शाह का डांस का तड़का भी है, और सलमान खान ने भी मुझे लगता है इसको सोशल मीडिया पे प्रमोट किया है, और क्या चाहिए। और 19 अगस्त को आ रही, मुझे लगता है फिल्म चलेगी, और एक सीक्वल है ना ये चलेगी जी। और सबसे बड़ी बात कि इस मूवी में दो चीज़ अहम बात है कि इसमें कुछ लैंग्वेजेस हिंदी में भी है। जी जी जी, तो हिंदी ऑडियंस को खास पसंद भी आ सकती है। मुझे लगता है 80% हिंदी जो फीलिंग है वो आ रही है इस ट्रेलर से, और वो अच्छा लग रहा है, और 20% मराठी में डायलॉग्स है, और काफ़ी अच्छा फील आ रहा है। मेरा खुद मन कर रहा है कि इस फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाकर देखूँ और इसको सपोर्ट करूँ। मैं चाहता हूँ फिल्म सिकंदर आप भी इस फिल्म को देखें और सपोर्ट करें। और चंद्रकांत कांसे का जो डायरेक्शन है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और पहली फिल्म का भी डायरेक्शन इन्होंने ही किया है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। और हम सभी को इस तरह की फिल्म को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या है ना, पहली फिल्म बहुत चली है और इस फिल्म से उम्मीदें बढ़ चुकी है। और इन जो एक्टर है हमारे अंकुश, इनकी फिल्म मैंने ऑलरेडी देखी है मराठी में, तो बहुत ही तगड़े एक्टर है। और मकरंद देशपांडे के बारे में तो आपको पता है, लीड रोल उनको मिला खतरनाक वाला, तो मुझे लगता है ये फिल्म हिंदी मार्केट में अच्छा खासा बवाल मचाई, क्योंकि हिंदी मार्केट में मास्टर सर्किट है, यानी कि इस मास्टर सर्किट में मराठी जो ऑडियंस फिल्म को देखेगी, जहाँ पे हम यहाँ पे गेटी गैलेक्सी में यहाँ पर भी फिल्म लगेगी और दबा के कलेक्शन करेगी और हाउसफुल लगेगी, मेरा ऐसा मानना है। फर्स्ट शो देखोगे आप? मैं खुद प्लान करूँ इसको फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का, और मैं वक्त जैसे मिलेगा मैं इस फिल्म को देखने की कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा हो सके, और शायद मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लूँ जी। चलिए लास्ट सवाल रहेगा आपसे कि ट्रेलर को रेटिंग कितना करेंगे आप? ट्रेलर को बहुत अच्छे से शॉट किया गया है, मैं आपको बता दूँ, हर एक डायलॉग या हर एक कैमरा एंगल बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मराठी सिनेमा जिस तरह से अच्छी अच्छी फिल्में देकर आ रहा है पिछले कुछ समय से, मैं कुछ फिल्में और भी देखा हूँ मराठी फिल्में जो मुझे बहुत पसंद आई है, और मुझे यकीन है कि ये फिल्म चलेगी और दगड़ी चाल 2 वाकई में डबल कलेक्शन करेगी दगड़ी चाल 1 से, मुझे ऐसा फील आ रहा है, मुझे ऐसा यकीन लग रहा है। थैंक यू सो मच। जी जी, धन्यवाद। देख सकते हैं दोस्तों दगड़ी चाल जो कि इसी फ्राइडे को रिलीज हो रही है, और हमारे सूर्या भाई को काफ़ी पसंद आई है ये मूवी। तो दोस्तों बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ इस मूवी को जरूर देखें एंड सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।